दोस्तों, हम जब गांव की बात करते हैं तो हर किसी का उसको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, पर मैं जब मेरे गांव की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छी बातें दिखती हैं जो शायद आपको कहीं शहर में नहीं मिलेगी। माना कि गांव के लोग पैसों से गरीब होंगे, पर दिल से वो कहीं ज़्यादा अमीर होते हैं। और मैं आज आपको मेरे गांव के बारे में बताऊंगा, मेरा गांव, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें दिखाऊंगा जो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका भी दिल कहेगा कि चलो एक बार तो देख ही लेते हैं। यहां पर बच्चे हर बात पर खुश होते हैं, वो हर बात पर हंसते हैं। किसान अनाज उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और जब शाम होती है तो एक अलग ही शांति होती है। तो चलिए देखते हैं मेरी आंखों से मेरा गांव। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे और मैं आज आया हूँ मेरे घर पे, जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। और मैं आज इस मौसम में आया हूँ घर पे कि अब बारिश होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और यही टाइम होता है गांव में जब बारिश होती है तो सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी करने के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी कैसे करते हैं, गांव में क्या चलता है इस टाइम, लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं, बच्चे यहाँ पे कैसे खेलते हैं। मेरे गांव का नाम आपको अब पता चल ही गया होगा और ये है मेरे गांव का घर, जहां पर हम बहुत ही खुशी से रहते हैं और मैं अभी तैयार हूँ मेरे खेत पर जाने के लिए। और जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा गांव भी दिखाऊंगा। आपको गांव में बैलगाड़ी दिखेगी, बकरियां दिखेगी और लोग, वो तो बहुत है। अभी खेत पर जाने के लिए थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको खेत भी दिखा देता हूँ। शायद शहर वालों के लिए ऐसे रास्ते नए होंगे। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे। आज हम आए हैं हमारे खेत में और मेरे घर पे एक भैंस है और तीन गाय है और इन गायों को गुड़ जागरी बहुत पसंद है, तो मैं इनको जागरी खिलाऊंगा और मैं जब भी आता हूँ खेत में तो उसको गुड़ खिलाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं उस खेत के तरफ जहाँ पर बीज बोने का काम शुरू है और मुझे मेरे पिताजी को उनका टिफिन बॉक्स भी देना है, क्योंकि उनको आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अब हम निकले हैं एक ऐसी जगह पर जो पहाड़ पर है और मेरे गांव से बहुत ही पास और बहुत ही सुंदर।
ये भी एक छोटा सा गांव है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दोस्तों ये है जगह हमारे गांव के पास के जिसका नाम है गरजधरी। ये जगह जो सातपुड़ा पर्वत है जो बहुत बड़ा है उसके ही थोड़ा सा नीचे आती है और मेरे गांव से बस 2 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब पानी है यहाँ पे, पूरा धरम ये मतलब पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। मतलब मेरा जो गाँव है, मैं जो मेरे गाँव की बात आपसे कर रहा था, वो इतना अच्छा है, इतना सुंदर दिखता है। अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आप मतलब आपको शायद मज़ा लोनावला पुणे मुंबई जाने में नहीं होगा, उतना मज़ा आपको यहाँ पे आएगा। पर ये जगह आज तक किसी ने शूट नहीं की है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे वीडियो में इसको दिखाऊँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो दो भाई हैं प्रतीक जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है और जो वहाँ पे मेरा भाई है करके हम तो यहाँ पे बाइक पर आए हैं। मैंने जो शूट किया था अभी बाइक का यहाँ तक आए हैं तो भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये वीडियो आएगा भी तो हम आपको और भी कुछ इसमें दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। अब ऐसे गांव आपको बहुत कम दिखेंगे और यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो रही है। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात की। हम स्कूल पर हूँ एंड हमारे स्कूल का नाम है श्री स्वामी गजर माध्यमिक विद्यालय गरजधरी। स्कूल का पहला दिन है। अच्छा। बच्चों को 26 जून हाँ 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 बता रहे। अच्छी बात है। अच्छा चलो थैंक यू। तो दोस्तों ये सब देखकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और अभी हम गांव के तरफ वापस जा रहे हैं। और खुशी की बात है कि आज मेरे आई बाबा के शादी की सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे। तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी हो रहा है। अब देखते हैं थोड़ा बच्चों को वो आजकल क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ स्कूल भी जा रहे हैं। बाय उषा। ये जो जगह है वो एक चौक है मतलब स्क्वायर। अभी तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है पर शाम को बहुत लोग यहाँ पर दिखेंगे। मैं अभी एक गांव के मंदिर में आया हूँ जो देवी का मंदिर है और यहाँ पर जितने भी नाम हैं वो सभी इसी गांव के हैं। और यंग लोगों ने यहाँ पर छत्रपति ग्रुप की शुरुआत की है जब गांव में शाम होती है तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आता है पर लोगों को उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो दोस्तों, मुझे तो मेरा गांव बहुत पसंद है और आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। शायद इस वीडियो को देखकर आपको अपने गांव की याद आई होंगी। और जाते जाते बस एक ही बात बोलनी है, शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूं जहन में, पर गांव का नक्शा रखा है।